सिर्फ आपके साथ में मैं हूं नामिक और इस वक्त जो खबर है वो जमुई से है। जी हाँ, बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिले में बड़ी नक्सली वारदात हुई है। वहां 2 दर्जन से अधिक माओवादी नक्सलियों ने पटना हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित चौरा स्टेशन को कब्जा कर ट्रेनों का जो परिचालन है वो घंटों रोके रखा। घटना को लेकर के खास बात यह है कि भागलपुर सहित पूर्वी बिहार में नक्सली हमले के खुफिया इनपुट के बाद पुलिस जो थी वो अलर्ट पर थी, इसके बावजूद भी ये वारदात हो गई। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नक्सली 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच अपने मारे गए साथियों की याद में शहीद सप्ताह मना रहे हैं और इस दौरान शनिवार की सुबह यानी कि आज सुबह स्टेशन पर पहुंचे नक्सलियों ने रेल कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जा में ले लिया और इसके बाद स्टेशन होकर के ट्रेनों को चलने से रोक दिया। इस वजह से स्टेशन के दोनों तरफ अन्य स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी हो गई। नक्सली हमले के पहले इस मार्ग से होकर अंतिम ट्रेन साउथ बिहार एक्सप्रेस सुबह 3:20 पर गुजरी थी। इसके बाद से ये मार्ग जो है वो घंटों अवरुद्ध रहा, बाधा बना रहा। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। पास के झाझा स्टेशन से एक इंजन पर सवार होकर के रेल सुरक्षा बल का एक दस्ता भी पहुंचा। पुलिस के पहुंचने पर नक्सली वहां से भाग निकले और इसके बाद से रेल परिचालन जो है वो नॉर्मल हो सका, यानी कि सामान्य हो सका। घटना की बाबत स्टेशन मास्टर ने एसपी प्रमोद बंडर को बताया कि नक्सलियों ने ट्रेन परिचालन रोक दिया था। उन्होंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और पुलिस को देने की बात कही तथा स्टेशन को विस्फोट कर उड़ा देने की भी धमकी थी। आपको बता दें कि इन दिनों पूर्वी बिहार में नक्सलियों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। नक्सली के 2 धड़ यूपी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर अर्जुन कोड़ा और बरीक्षर कोड़ा में एका होने के बाद भागलपुर रेल थाना, बरियारपुर रेलवे स्टेशन और जमुई पुलिस केंद्र उड़ाने की साजिश की खुफिया सूचना जो है वो मिली थी। इसके बाद से पूर्वी बिहार के रेलवे स्टेशन और सॉफ्ट टारगेट को लेकर के पुलिस को अलर्ट किया गया था, जिस वजह से लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद भी आज देखिए नक्सली जमुई के चौरा स्टेशन पर कब्जा करने में सफल रहे। आगे उनके क्या इरादे हैं ये तो सामने आएंगे, लेकिन पुलिस जो है वो भी अलर्ट पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामे का खुद ही जा सकते देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।